आज हम बनाएंगे छोला वड़ा विद स्पाइसी दही, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो ये हैं। 2 कप हमने काबुली चने लिए हैं जो के हमने उबाल लिए हैं। 5 हमने उबले हुए आलू लिए हैं। 1 कटोरी हरी प्याज को हमने काट लिया है। 2-3 हरी मिर्च को हमने काट लिया है। ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर को हमने मिक्स किया है। एक कटोरी धनिया पत्ता लिया है हमने। 1 नींबू का जूस लिया है। 4 मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी दही, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला। ये हम दही में मिक्स करेंगे, जिसमें हमने लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ती जिसको हमने बारीक काट लिया है, और नमक, 1-2 हरी मिर्च, टमाटर बिल्कुल फाइन चॉप किया है, बारीक काट लिया है, और प्याज जिसको भी हमने बारीक काट लिया है। ये हम दही में मिक्स करेंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। अब हम काबुली चनों को मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। काबुली चने को हमने पीस लिया है। अभी मैश कर लेंगे। अब हम इसमें सभी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, हरी प्याज डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया और पुदीना हमने इसमें थोड़ा मिक्स किया हुआ है। आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून के करीब हम चाट मसाला डालेंगे। नमक हमने छोलों में भी डाला हुआ गरम, ये उबालते टाइम में, हम इसमें अपने हिसाब से डालेंगे देख के, और 1 नींबू का रस। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें ये ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर का ये आटा जो हमने मिक्स किया है ये हम इसमें डालेंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बनाएंगे। हमारा तैयार हो चुका है। अब हम वड़े बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें हम वड़े का आकार देंगे। आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं। वैसे गोल शेप देंगे और फिर हम इसको इसमें तरह से बड़े बना लेंगे और हम इनकी डस्टिंग करेंगे। अब इसकी ब्रेड क्रम और ये कॉर्नफ्लोर की, बाकी सभी इसी तरह से हम बना लेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे।
ये हमारे छोला वड़ा तैयार हो चुके हैं। अच्छी तरह से ये सिक गए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। दही में स्पाइसेस मिक्स करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया, थोड़ा टमाटर, थोड़ा प्याज और नमक ज़रूरत के हिसाब से। ये हमारी छोला वड़ा विद स्पाइसी दही रेसिपी बन के तैयार है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।